अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लेडीज़ लाउंज। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल समद की तरफ। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अच्छे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा फेयर खौफ पे था, हम प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते थे ना। मुझे अभी से डर लगना शुरू हो गया है सुन के। जी अच्छा, सबसे पहले तो फेयर को समझना होते हैं कि फेयर है क्या, कहाँ क्रिएट होते हैं, कहाँ बनते हैं और फेयर होता क्यों है, किस तरह के। हमने बात की थी कि बाय नेचर होता है फेयर, तो किसी न किसी चीज़ से इंसान को ज़रूर होते हैं, मगर मुसलसल एक फेयर मुसलसल रहना वो एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन भी बन जाते हैं। तो फेयर क्रिएट होती है हमारे अंदर से, ठीक है, हमारे अंदर की दुनिया से, हमारे अंदर से फेयर जो है ये हमारे अंदर एक खौफ है, जो भी घबराहट हैं, जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हमारे अंदर से क्रिएट होती हैं। तो वही हमें फिर बहुत से मसाइल का शिकार करते हैं और ये इतनी बुरी चीज़ है खौफ जो है, यानी बेजा खौफ। कुछ बजा खौफ भी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, बेजा जो होते हैं ये सही नहीं है। तो इसी तरह के, जिस तरह के आपको गन से डर है, तो गन से अच्छे काम भी होते हैं, किसी की जान भी बचा लेते होते हैं इंसान। एक सिक्योरिटी गार्ड के पास अगर गन नहीं है तो वो किस तरह की दिफा करेंगे, अगर किसी सोल्जर के पास अगर गन नहीं है तो वो मुल्क के कैसे दिफा करेंगे, किसी पुलिस वालों के पास अगर नहीं है तो वो किस तरह निज़ाम को संभालेंगे, इस तरह रेंजर्स के पास अगर नहीं है तो वो किस तरह अपने आप को संभाल लेंगे। तो ये एक ज़रूरी चीज़ भी, बुरी चीज़ नहीं है ये, मगर इसको इस्तेमाल करना ये ज़रूरी होता है कि कोई अच्छा इस्तेमाल करता है, कोई गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जो है गन जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, तो इसलिए हमें इसे घबराने का, कोई अगर हमारे अंदर कोई घबराहट है तो उसको कैसे दूर करनी है ये तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरह चपकली है हमारी खानिया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि चपकली कहाँ पे, किस चीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं, सोच रही हूं। अच्छा, चपकली जो है, चपकली के बड़े फ़ायदे हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, घर में जितने भी अगर चपकली घर में होते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हशरात होते, जो चीज़ें कीड़े वेड़े घर के अंदर, अगर चपकलियाँ ज़्यादा होंगी घर के अंदर तो मक्खियाँ और मच्छर शायद कम होंगे। कम होती है, बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें कम होती हैं क्योंकि चपकली मच्छर और मक्खियाँ बहुत खाती है। कोई कीड़ा होता ही नहीं है वहीं पर, वो सारा खा लेते हैं। अच्छा बिल्कुल। बल्कि कॉकरोच खाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं, चपकलियाँ कॉकरोच, चपकलियाँ बहुत से कुछ खाते हैं। आई थिंक हानिया अब हम लोग कुछ चिपकलियाँ पालनी चाहिए घर के अंदर। अच्छा, चपकली से लोगों का डर क्यों है, क्या वजह है? कहीं ना कहीं पास्ट में आपको डराया गया है ज़रूर। गन से क्यों है कि पास्ट में कहीं ना कहीं कोई इवेंट गुजरा है। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम आप काउंसलिंग करें और पास्ट में जाएं कि कहां पर आपको पास्ट में ले जाएं कि कहां पर ये इवेंट गुजरा है और वहां से रिमूव कर लें। वैसे डॉक्टर साहब, मैंने अपना गन का जो डर है ना, खुद भी फेस करने की बहुत कोशिश की। मैंने शॉट गन उठा के, वो छर्रे वाली नहीं होती। अच्छा अच्छा। तो मैंने खिलौने वाली गन से, तो मैंने एक स्टेप ऊपर लिया क्योंकि मुझे खिलौने वाली गन से इतना डर लगता है। तो मैंने शॉट गन नहीं होती लंबी वाली, वो जो बड़ी हो, आई थिंक शॉट गन ही होती है, क्लैश ऑफ क्लैंस, मुझे नहीं पता कौन सी होती है, सही, मगर सही। वो मैंने उसके अंदर छर्रे डाल के फिर बोर्ड सामने रख के निशाने मारे। तो मैंने वो खौफ अपना दूर किया है वैसे खुद बैठ के। सही है, मैंने ट्राई भी नहीं किया। ट्राई नहीं किया तो मैं सात चपकली लाया हूँ, ये लें। ये मेरी कजिन एक्चुअली करती है, वो होती नहीं टॉयज, वो और गन भी तो साथ लाए हम, ये देखिए। अच्छा, गन भी। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो बात ये है कि गन और इस चीज़ों को, हमारा मकसद है कि वेबर्स को ये हम सिखाएं कि वो अपने जो खौफ है वो कैसे दूर करें, ये ज़रूरी। और हमारे खौफ भी आज दूर होने चाहिए इस चीज़ से। खौफ बहुत सी चीज़ों से होते हैं इंसान को, सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ गन से खौफ होगा, आपको सिर्फ चपकली से खौफ हो, खौफ आपको बहुत सी चीज़ों से और भी होंगे।
लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इंसान को जब खौफ नहीं होते है तो वो एक इंसान बड़ी बुलंदियों तक जाते हैं बहुत, और बहुत ज़रूरी भी है कि हम खौफ को दूर करें ताकि हम जो भी अचीवमेंट चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं वो पॉसिबल हो सके हमारे लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किस से स्टार्ट करें या दोनों? मैं तो फोर्ट भी दोनों दोनों को एक ही, मैं आपको मैं एक ही मेथड बताऊंगा, एक ही चीज़ बताऊंगा कि दोनों का उससे खौफ दूर हो जाए। और यकीन माने मैंने अभी तक किसी को भी डील किया खौफ के बारे में, किसी में नाकामी नहीं हुई अभी तक, यानी यह खौफ 100% दूर हो जाता है। उसके साथ साथ जब मैं मेथड साथ बताता हूँ, मेथड के साथ साथ मैं आपको हीलिंग भी भेजता हूँ, सेंड करता हूँ, समुदाय हीलिंग एनर्जी जिस तरह की है ना, इस तरह के हीलिंग भी मैं साथ साथ सेंड करता हूँ। और मेरी भी आंखें बंद होंगे, आपकी भी बंद होंगे, ऐसा ऐसा हम एक इवेंट है। अच्छा। एक तरीका है जो उस पर हमने जाना है और आपके खौफ जो है ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। जी, सबसे पहले तो आपको चंद गहरे गहरे सांस लेने होंगे, रिलैक्स करने होंगे आपको, थोड़ा रिलैक्स होके अच्छा आंखें बंद करनी होंगी। जब गहरे गहरे सांस लेंगे यकीनन आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, ऐसा आंखें बंद करें और ऐसी आ जा रही है। जी जी, आंखें बंद करें, चंद गहरे गहरे सांस लें, टांगे क्रॉस कर लो, कोई मसला नहीं है, जैसी मर्जी बैठे, रिलैक्स बैठे, बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स। तो बीच में आंखें खुल जाएंगी तो क्या होगा? हाँ, बीच में आंखें ना खुले बेहतर है, अगर वैसे खुल जाए तो कोई बात नहीं है, दोबारा बंद कर लें, ठीक है, अगर वैसे खुल जाए कोई मसला नहीं। जी, खेरे खेरे सांस लें, तीन चार खेरे खेरे सांस, और खेरे, थोड़े और गहरे, हाँ इस तरह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, हाँ एक चंद और खेरी, और खेरी सांस, बस अब आप ये सोचें कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, पुरसकून हो रहे, रिलैक्स हो रहे, पुरसकून हो रहे, सर से पांव तक रिलैक्स होते जा रहे, पुरसकून होते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है आप। अब एक से दस तक गिनेंगे, दस तक जब आएंगे हम तो आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे। 10, 9, जैसे मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता जा रहा हूँ, जैसे मैं गिनता जा रहा हूँ, इसी तरह आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। 8, और रिलैक्स, और ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे पुरसकून है। और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब बिल्कुल रिलैक्स है, पुरसकून है आप, और बिल्कुल फ्रेश है, तरोताज़ा हैं, पुरसकून है, डीपली रिलैक्सेशन है महसूस करें, डीपली रिलैक्सेशन। और आप तसव्वुर करेंगे आपके सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीन कोने होते हैं, एक कोने पे आप खड़े हैं और एक कोने पे, एक कोना खाली है और दूसरा कोने पे जो चीज़ मौजूद, जो चीज़ से आप घबराते हैं वही चीज़ मौजूद है उस पे। अब आप तसव्वुर करें ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एक कोने पे आप खड़े हैं, एक कोना खाली है, दूसरा कोने पे वही चीज़ है जो आप, जिससे आप घबरा रहे हैं। अब आहिस्ता मूव करें जो खाली कोना है उसके ट्रायंगल के उस साइड पे जाएं आप आहिस्ता, जब पहुंच गए उस साइड पे आप हाथ खड़े कर देंगे, हाथ से इशारा करेंगे कि आप ट्रायंगल की जो खाली कोना है उस पे पहुंच गए। जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करें जिस
साइड पे आपके जो जिससे आपको घबराहट है, अगन है या चपकली है, जिससे आपको घबराहट हो रही है, जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आपको खौफ है, इसी कोने पे आ जाएं। जब वहाँ पहुँच गए, आप पहुँचने वाला है, पहुँच गए, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो और अब आप पहुँच गए, अब आप उस चीज़ के पास है, बिल्कुल पास है, और अब आपको उस चीज़ से वापस आए, अपने साइड पे वापस आए, अपने साइड पे वापस आए, अब जहाँ पर पहली खड़ी थी उस कोने पे आ जाए वापस। अब दोबारा डायरेक्टली मूव करें, डायरेक्टली जाएं जहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट से, जिस चीज़ से आप घबराहट है, वहीं पे उसी कोने में जाए डायरेक्टली, और अब उससे हाथ लगाएं, हाथ मिलें, अब उसको छोड़ के दोबारा मूव करें, खाली कोने पे जाएं, अब वापस मूव करके वापस जाएं उसी चीज़ के पास जाए जिससे आपको घबराहट। अब आपकी घबराहट पहले से चेहरे से आपका लग रहा है एक्सप्रेशन से कि कम हो गए, तो तकरीबन 50% 60% कम हो गए, आप फील भी कर रहे हैं, और आप वापस आए अपनी जगह, वापस आए जहाँ पर आप खड़े थे। अब फिर मूव करें, जाएं, और आप बिल्कुल घबराहट नहीं होंगे आपको, अब आप उसके साथ खेलें, जो मर्जी कर लें, अब आपको कोई घबराहट नहीं होंगे, अब बिल्कुल आप तकरीबन 99% आपको घबराहट आपके चेहरे से लग रहे हैं कि आपके बिल्कुल खुशगवार है आपकी चेहरा, बिल्कुल आपको कोई घबराहट नहीं है। देखिए आपके चेहरे से बिल्कुल एक्सप्रेशन चेहरे से आपके लग रहे हैं कि आपको कोई घबराहट नहीं है और बहुत खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, आपको बहुत खुश है और चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराहट है। अब आप बिल्कुल इसी के साथ आप मूव करें, तसव्वुर करें, आप इसी से थोड़ा ऊपर जाएं, थोड़ा सा तसव्वुर करें कि आप जैसे उड़ते हुए, आप जैसे खुशी की लहरें आप में दौड़ते हुए आप फ्लो करें ऊपर जाए, जैसा कि आसमान में उड़ते हुए खुश रहें, बिल्कुल एक खुशी की कैफियत आप पर है और आप बहुत पुरसकून हैं, परिंदे की तरह परवाज़ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, हवा में परिंदे की तरह परवाज़ कर रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत रिलैक्स है, लुत्फ़ंदोज़ है। और आप आहिस्ता आहिस्ता आएँ वापस अपनी दुनिया में, और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल ले। यकीनन ख़त्म हो गए ना, अब आप तसव्वुर करें जो भी आप गन की तसव्वुर करें, आप चपकली की तसव्वुर करें, आप जो भी हो, अब आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर गन होते ना या चपकली होते तो मैं ज़रूर आपको दे देता, बस ये है कि मैं ले आया नहीं, लेकिन फिर कल ले आएंगे, कोई मसला, या खुद ही साथ ले आओ। अच्छा, खुद ही साथ गन ले आए, खुद ही साथ ले आओ। मगर डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम लोग रोज़ा रखते हैं और तब अगर आप मेडिटेशन करें, या इस तरह अभी जैसे हैवी मेडिटेशन की भी मेडिकेशन नहीं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि रोज़ेदार से अगर आप इलाज करवाएं या रोज़े के बाद आप ये करें तो ज़्यादा बेहतर है? नहीं, इसमें तो कोई, ये तो रोज़ा तो इस चीज़ों से नहीं टूटता है ना, ये तो मेडिटेशन की कैफियत होती है, तो इसे तो रोज़े का तो इसमें कोई क्या नहीं होता है ना, रोज़े में तो मेडिटेशन ज़रूरी भी होती है ना, क्योंकि मेडिटेशन तो यानी मेन मराकबा, तो दीन के जो यानी जो नमाज है वो भी तो मराकबा ही है। Exactly. हाँ, मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी, और ये जो रोज़ा है ये खुद ही मेडिटेशन है कि हमने पाबंदी की है किसी चीज़ को, हमने खाना नहीं खाना है, तो ये एक मेडिटेशन है ना, ये एक इबादत है।